हमरा बता रहे हैं? हाँ। अरे भैया हम पीधे ओढ़े नहीं है, फोटो ले तो क्या हो गया? आ कहेगा जी। ये है भाई हुंडरू जलप्रपात में आपका स्वागत है। ये है मेन गेट और यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यटकों के सुरक्षा हेतु आवश्यक निर्देश। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवेश टिकट प्रति व्यक्ति, और अगर आप गाड़ी ले जा रहे हो तो उसका पैसा अलग से लगेगा। और यहाँ पर टिकट काउंटर है जो कि वहाँ पर भी लिखा हुआ है, आवश्यक सूचना भी लिखा हुआ है। देख लो टिकट काउंटर है ये, और टिकट कितना कितना में आप ले सकते हो ये यहाँ भी लिखा हुआ है। और मेरा साइकिल ये रहा जिससे मैं अभी यात्रा कर रहा हूँ, और मैं लेके जा रहा हूँ अंदर, लेके जाऊँगा अंदर, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कैसा है हुंडरू जलप्रपात। और यहाँ पर कुछ बाज़ार भी हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जूम करके, देख लीजिए। और यहाँ पर वाटर अथी हुंडरू का पार्क भी है, हुंडरू पार्क नीचे में। हाँ तो हुंडरू पार्क भी है, तो आप लोग आइएगा तो वो पार्क भी जाइएगा। मैं जा रहा हूँ अभी, और मैं भाई इसी रास्ता से आया था, और यहाँ पर बाज़ार भी है, और इधर पार्क है, और गेट खुलने का समय है 8:30 बजे, शाम 4 बजे हॉल बंद हो जाता है। और पार्क है देखो, और यहाँ पर एक अथी वाला भी लगा हुआ है शायद, पहले नहीं पहाड़ी एरिया में लगा रहता है जिससे पहाड़ का सैर करता रहता है। तो और भाई यहाँ पर एक मंदिर भी है, ये राधा कृष्ण का मंदिर है, मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ। वो ये मंदिर है यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर, एक यहाँ पर मंदिर भी है। इधर से मैं दिखाता हूँ, ये एक शिवलिंग। भाई यहाँ पर बाज़ार भी है, अच्छा खासा बाज़ार है यार, देखो ये सब हुंडरू जलप्रपात का है। और उसी पुल पर से मैं तब वीडियो बनाया था, अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो। और ये यहाँ का नज़ारा है भाई, मैं ट्राइपॉड भी लाया हूँ साथ में, तो अच्छा से आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा जितना मेरा कैमरा जूम हो सके। और मैं चलता हूँ अब नीचे, हो सकता है वीडियो 2-3 पार्ट में आएगा, लेकिन आप लोग पूरा देखना यहाँ पर क्या क्या है नहीं है, वो सब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा किधर क्या है नहीं है। मैं देखो इधर से मैं आया था और मैं जा रहा हूँ, और वहाँ पर भी देखो नीचे में, एकदम नीचे में घर बना हुआ है। और जाना किधर है कैसे है, इधर से तो नहीं जा सकते, रास्ता इधर से नहीं है। और वो पुल में तब दिखाया था भाई, अब देखो अभी भी नहीं दिख रहा यार इतना अच्छा से। ये है हुंडरू फॉल, और वहाँ से देखो भाई पानी आ रहा है, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता यही है, नीचे जाने का रास्ता इधर से नहीं है, उधर से था ना। और यहाँ पर एक पप्पी भी है शायद, यहाँ पर बलि उलि दिया जाता है। कोई मंदिर भी है देख रहे हो, और ये रहा भाई। भाई ठीक से चलना पड़ रहा है, यही है हुंडरू का जलप्रपात। तुम लोग देखो भाई, हमको लगा था बहुत ऊपर से गिरता होगा, ये तो मग गया नहीं, मग से पानी गिर रहा है, झरझरा ऐसे गिर रहा है। शायद नीचे जाएंगे तब पता लगेगा शायद कितना नीचे है यार। यहाँ पर नहा भी सकते हो तुम लोग, नहा भी रहा है कुछ आदमी,
और ये जो देख रहे हो ना, ये यही है, मतलब यहाँ देखो इधर से पानी जा रहा है। इधर से पानी आ रहा है, एक इधर से और एक इधर से। मैं आराम आराम से चलने का कोशिश करता हूँ और ये इधर से जा रहा है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो ये है हुंडरू का जलप्रपात। और वहाँ पर देख भाई, वहाँ पर कितना शोर कर रहा है पानी, पानी का साफ देख सकते हो कितना साफ है। यही है हुंडरू का जलप्रपात। कभी हम लोग सुने थे कि बहुत अथी है, मतलब किताब में पढ़ाया जाता था पहले, हुंडरू का जलप्रपात कहा है, आठवां में पढ़े थे हिंदी में। और जो लोग मैथिली लिया हुआ दसवां में वो भी लोग पढ़े होंगे। कौन कौन पढ़ा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ देख रहे हो ऐसे दरार है, मतलब फंसोगे तो जाओगे कस के। मैं आराम आराम से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं जाता हूँ नीचा भाई, ऊपर तो आ गया, वहाँ पर मैं अपना बैग रख दिया हूँ ट्राइपॉड। और यहाँ से एक वीडियो में चारों दिशा का मैं ले लेता हूँ ट्राइपॉड से, उसके बाद मैं जाऊँगा। भाई मैं जो आया हूँ ना अभी, तो यहाँ पर जो लोकल लोग अभी नहा रहे थे वो बताया कि आप गलत समय पर आए हैं, मतलब आप बाढ़ के समय में जब आते ना तब आपको ये सब जितना देख रहे हो पत्थर, ये सब पूरा ये सब से मतलब पानी आता रहता है और उधर नीचा से लोग देखते रहते हैं। तो अब मैं नीचा लेके चलूँगा बाद में। तो बोल रहा था कि आप गलत समय पर आ गए, आते तब आपको अच्छा व्यू मिलता। तो कोई भी आना चाह रहे हो तो सावन भादो महीना आना, बोल रहा था सावन भादो, मतलब जून जून जुलाई यार में अगस्त आर में आना। अभी आप अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम है मुकेश ठाकुर। आप भी घूमने ही आए हैं? घूमने के लिए आए हैं, यहाँ पूजा करने के लिए। पूजा भी वहाँ पर मंदिर है, एक मंदिर देख सकते हैं वो। अच्छा ये किस चीज़ का मंदिर, मतलब कौन भगवान का मंदिर है? ये है शिव जी का है, हुंडरू पुल है। हुंडरू पुल ना हॉल। अच्छा यहाँ पर किस टाइम पर ज़्यादा भीड़ रहता है ये बता? ये जनवरी में रहता है, मेला भी लगता है यहाँ। हाँ जनवरी में 15 जनवरी का मेला रहता है। ये जो अभी जो इतना सब मतलब सूखा सूखा दिख रहा है, इस समय पानी मतलब भरा कब रहता है? बरसात में यहाँ तक आता है पूरा। बरसात में मतलब किसी को आना है तो मतलब व्यू के लिए आना है तो बरसात में मेला लगता है जनवरी में ना। आप हम लोग का घर है पेटरवार। पेटरवार, हम पेटरवार से ही मतलब होते हुए आए हैं। हाँ गोला पेटरवार सब से होते हुए। हम लोग जितना सब भगत भक्तायन है। तो आप लोग देख सकते हैं ये लोग भी घूमने आए हैं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी आइए यहाँ पर घूमने। और बता दिए हैं ये लोग कब आना है उस टाइम पे ना, देख लीजिए आइए। ठीक, आपका नाम क्या हो गया, शुभ नाम अपना बता दीजिए।
हमरा बता रहे हैं? हाँ? अरे भैया हम पीधे ओढ़े नहीं है, फोटो ले तो क्या हो गया? आ कहेगा जी क्या हो गया, आप भगत है तो भगत ऐसे ही रहते है ना, भगत उगत कैसा रहता है? ऐसा ही रहता है। तो मैं इधर से ही आया था और मैं अब जाऊंगा इधर, और उसके बाद उधर एक रास्ता है, उसके बाद नीचे मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं पूरा सील ले लो इधर से। हाँ पूरा ले लिए हैं हम। दरभंगा जिला बिहार अब मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको नीचे का व्यू दिखाऊंगा। और ये इधर पार्क है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये सब क्या है उधर वो हमको नहीं पता। और भाई जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने ऐसे बोला ऐसे ऐसे भ्रमण करते हैं, तो मुझसे कोई टिकट उकट नहीं लिया, नहीं कुछ किसी चीज़ का, मुझे फ्री में आने दिया था। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, बताना ज़रूरी था, बोला आपके लिए फ्री है, मैं दे दूँगा पैसा जो वहाँ पर टिकट कटता था ना, वो बोला।